नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का बिगिन टू लर्न पर। सीए सेकंड कम्युनिकेशन स्किल सेकंड्स या फिर इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। तो अब तक हम पढ़ रहे हैं टेंसेज, और टेंसेज में हमने अब तक पढ़ लिया है आपका कंटिन्यूस टेंस तक, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस को हमने एक एक करके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अलग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अलग और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अलग पढ़ा था। उसके बाद से क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं, तो उसके लिए कंटिन्यूस टेंस के लिए मैंने पूरा एक कंबाइन वीडियो बनाया था, और उस वीडियो पर किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन अभी तक नहीं मिला। मीन्स आप पूरे टेंसेस को अच्छी तरीके से समझ गए हैं, कंटिन्यूस टेंस को अच्छी तरीके से समझ गए हैं, और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वो होंगे आपके परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस में भी हम तीनों के केसेस को एक साथ समझेंगे। परफेक्ट टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और साथ ही साथ फ्यूचर परफेक्ट, तीनों ही केसेस को हम एक साथ समझेंगे। तो आज का वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार की कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, पर्सनल मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आपके लिए नहीं है, कहीं आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कांटेक्ट करने के लिए। तो हम वीडियो शुरू करें, उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक ज्ञान की बात छोटी सी मैं करूँगा। ज्ञान ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें, पूरे वीडियो का संयुक्त ज्ञान ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद बची कुछ ज्ञान की बातों को मैं करता हूँ वीडियो के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आप अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, और परफेक्ट टेंस के लिए जैसे कि मैं हमेशा आपके लिए हर एक बार दूसरे केसेस का एक हर एक केस का एक दूसरा नाम बताता आया हूं। जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने बताया था आपका हैबिट, पास्ट इंडेफिनिट का मैंने बताया था आपका जो भी समय हो गया हिस्ट्री, और फ्यूचर इंडेफिनिट का मैंने बताया था प्लानिंग, कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपका बताया था वर्क इन प्रोग्रेस, और अभी क्या होगा, ये होगा आपका वर्क डन। ठीक है, ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्क डन मतलब काम की समाप्ति, कार्य की समाप्ति का इधर इशारा होता है। इस चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस से, उसके बाद जाएंगे हम पास्ट टेंस में, और उसके बाद जाएंगे हम फ्यूचर टेंस में। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप बिल्कुल बिना टेंशन के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी हम सबसे पहले जो बात करेंगे, तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं यहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब की बात होगी, उसके बाद में आपकी मेन वर्ब की बात होगी। दो ही चीजें मुख्य हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद में हमको क्या करना होता है, उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे सामने दो तरीके के उस खुल जाते हैं, नेगेटिव टेंस, नेगेटिव सेंटेंस का क्या होगा और इंटरोगेटिव टेंस का क्या होगा। ठीक है, तो सारी चीजें देखेंगे। इंटरोगेटिव टेंस में भी हमारे दो तरीके से देखते हैं, तो सारी चीजें हम देखते हुए चलेंगे। आप बिल्कुल गौर से देखेंगे, किसी प्रकार का पैनिक आप नहीं लेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूं टॉपिक को। प्रेजेंट टेंस की अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो प्रेजेंट टेंस में मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यहां पर यूज करते हैं हैज और हैव। अच्छा, अब वही बात वापस से आ गई, सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। हैज का कम यूज करते हैं और हैव का कम यूज करते हैं। हैज हम यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और हैव यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। ठीक है, चलिए अभी हैज और हैव का एक स्पेशल यूज भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए हैज हैव का यूज, मतलब यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब को हैज हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। हैज हैव का एक और मतलब होता है, हैज हैव का मतलब होता है रखना, और उसको हम अलग से पढ़ेंगे।
मेन वर्ब की बात करेंगे तो आप यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, या फिर आप जिसे कहें पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। अगर नेगेटिव की बात आएगी, जहां आपका नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, तो वहां पर आपका मैं यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, मेन वर्ब के पहले ही नॉट लगा देते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं आप, नेगेटिव सेंटेंस में आप करेंगे नॉट लगाएंगे इससे पहले, बिफोर मेन वर्ब, यानी इस वर्ब से पहले आप नॉट लगा दीजिए, ठीक है। और जब आपकी बात आएगी इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तब क्या करेंगे आप, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आपको कुछ नहीं करना है, दो तरीके के होते हैं, इनको अलग केस हम समझेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पास्ट टेंस पर। यहां पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगी ऑक्सिलरी वर्ब वो होने वाली है हैड यूज, ये दोनों ही केसेस में यूज होगी, दोनों ही केस, चाहे वो सिंगुलर हो आपका सब्जेक्ट या फिर आपका सब्जेक्ट हो प्लूरल, ठीक है। मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है आपकी, सेम चीज यही रहेगी, और नेगेटिव सेंटेंस में भी आप सेम केस यही रखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आप सेम केस, सब चीज ऐसे ही रहनी है, कोई भी बदलाव यहां नहीं होना है, ठीक है। और अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो यहां पर विल और शैल, अब आप जानते हैं विल और शैल का यूज हम कम करते हैं, विल और शैल का यूज हम करते हैं जब आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब आप विल का यूज करते हैं, और जब आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब आप शैल का यूज करते हैं। तो सिंगुलर सेंटेंस के लिए विल और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपका शैल, या फिर अफर्मेशन की बात होती है हमारी, मतलब हम जो है आपका डेफिनेटली किसी काम को करने वाले हैं, तो वहां पर हम चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल विल यूज करते हैं, और हमारे लिए कोई डेफिनेटी नहीं होती है तो वहां पर हम शैल का यूज करने वाले होते हैं, ठीक है। दोनों ही यूज को हम देखेंगे, और मेन वर्ब में सेम चीज वही आपका क्या आने वाला है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले आप उठा करके क्या करेंगे नॉट लगाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा केस चेंज हो जाएगा। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, नॉट लगानी है आपको विल के और शैल के बाद में और हैव के पहले, ठीक है। यहां पर विल और शैल के साथ में आप हैव और लगाते हैं, तो विल शैल हैव, क्लियर, इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। हेल्पिंग वर्ब में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब में आप लगाएंगे विल और शैल के साथ में हैव आप जोड़ेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात आएगी तो विल और शैल के साथ में आप क्या जोड़ेंगे, हैव के बीच में विल और शैल के बाद में नॉट लगा देंगे यहां, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं हो रही होगी, तो ये चार्ट आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी हम चलते हैं सीधे सीधे एग्जाम्पल्स के ऊपर, अब एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, ठीक है। चलिए बोर्ड को मैं क्लियर कर देता हूं, तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल्स आएंगे आपके वो आएंगे, हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम जरा, और इसकी सबसे पहले हम पहचान पढ़ लेते हैं। इसकी पहचान अगर आप बात करें तो क्या होगी, ये ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जहां पर काम हमारा खत्म होता है, ठीक है। खत्म का मतलब अभी अभी खत्म हुआ है, जैसे अगर हम बात करें कि हमने खाना खा लिया है तो हमने तुरंत खाना खाया है, ठीक है, उसको खाए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो ऐसे ऐसे वाक्यों के पीछे में आप देख सकते हैं चुका है, चुकी है, वो लगा होता है, या फिर लगा होता है लिया है, या वही लिया ही, ठीक है, लिया ही लगा देते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि अभी हमने समझा, या फिर मैं ऐसे कहूं एक सेंटेंस समझूं, एक सेंटेंस कहूं कि हमने एक चार्ट पे इसके बारे में पढ़ लिया है,
तो हमने पढ़ लिया है का मतलब अभी पढ़ा है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, हिस्ट्री वो नहीं बना है, थोड़े ही समय पहले की बात है, चंद मिली सेकेंड कहते हैं या फिर चंद आपका घड़ी पहले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं लिख सकता हूं यहां पर, इस प्रकार के वाक्यों से या फिर इस प्रकार के वाक्यों में कार्य के तुरंत समाप्त होने का बोध होता है, ठीक है। ये बात तो हम समझ गए। अब लेकिन पहचान पक्की कैसे की जाए, तो हम कहेंगे वाक्यों के अंत में लिया है चुका है चुकी है आदि, शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए ये बात आप समझ गए होंगे, ये आपकी पहचान हो गई। अब जरा उदाहरण देख लेते हैं। अब हम उदाहरण की बात करेंगे, तो सबसे पहले एक उदाहरण लिखता हूं। जैसे मैं लिखता हूं, मोहन ने पत्र लिख लिया है। एक तो मैं लिख देता हूं हिंदी में लिख लिया है, या फिर लिख लिया है की जगह क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं लिख चुका है, मोहन पत्र लिख चुका है। यहां मोहन पत्र मोहन ने हट जाएगा, तो इसे हम जरा देखते हैं थोड़ा सा मैं यहां से इसकी जगह लिखता हूं मोहन पत्र लिख चुका है। तो आपने दोनों ही सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहां पर किसी प्रकार का दोनों के अर्थ में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्क है तो फर्क है लिखावट का, ठीक है। तो या तो मैं लिख देता हूं मोहन ने पत्र लिख लिया है, या मैं लिख देता हूं मोहन पत्र लिख चुका है, तो दोनों का मतलब एक ही रहेगा, लेकिन आपका लिखावट में थोड़ा सा शब्दों का फेरबदल जरूर हो सकता है। तो यहां आपको किसी प्रकार से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसे हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तो ट्रांसलेट करेंगे तो हम ट्रांसलेट करने के लिए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमको अच्छे तरीके से आता है तो हम उसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपका सेम रहता है। अब फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, फॉर्मूला रहेगा आपका, सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आती है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, हैज और हैव, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, देन जो भी बच जाएगा वो आपका आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। अब इसे इस बेसिस पर आप बनाने की कोशिश करिए तो आसानी से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका, मोहन, तो लिख दीजिए मोहन। अब सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे आप, हैज लगाएंगे, हैज, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब आएगी तो फिर राइट किया क्या होती है, रिटन, ठीक है। पत्र लिख लिया है तो क्या मतलब, पत्र, ऑब्जेक्ट क्या रह गया, पत्र, तो रिटन, लेटर या फिर द लेटर कुछ भी कर दीजिए, कोई समस्या यहां पर नहीं, ठीक है। मोहन हैज रिटन लेटर या फिर मोहन हैज रिटन द लेटर, दोनों का ही आपको, ये जो हिंदी में सेंटेंस दो तरीके से लिखे हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन इसका होने वाला, ठीक है। उम्मीद है आप आसानी से ये बात को समझ गए हैं। तो आप अगर समझ गए हैं तो इसे अपने पास नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब आगे एग्जांपल लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लिखने की तैयारी कर रहा हूं। तो इसके आगे जो हम एग्जांपल लिखेंगे वो नेगेटिव का लिखेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव का एग्जांपल ज्यादा जगह न घेरते हुए, समय न खराब करते हुए सीधा सीधा इसी में लिख देते हैं, मोहन ने पत्र नहीं लिखा है, या फिर
मोहन ने पत्र नहीं लिखा है या मोहन पत्र नहीं लिख चुका है, इस तरीके से। क्लियर? तो यहां पर जरूरी नहीं है लिया है, चुका है, या फिर यहां देखेंगे दूसरा, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो मोहन ने पत्र नहीं लिखा है, या मोहन ने पत्र नहीं लिख लिया है, या मोहन ने पत्र नहीं, मोहन पत्र नहीं लिख चुका है। ठीक है, नहीं लगा देंगे केवल, तो मोहन ने पत्र नहीं लिख लिया है, या फिर मोहन ने पत्र नहीं लिखा है। यहां हिंदी में लिख देंगे नेगेटिव सेंटेंस में, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तब, तब क्या होगा, आप सिर्फ हिंदी में लगा देंगे, क्या लगाएंगे, मोहन ने पत्र नहीं लिखा है, मोहन ने पत्र नहीं लिखा है। अब किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे आप इसे, थोड़ी सी जगह इधर देख लेते हैं, केवल नॉट लगा देंगे। ठीक है, नॉट कहां लगाएंगे, आप हैज और हैव के बीच में यहां पर आप नॉट लगा दीजिए, आपका काम वहीं हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोहन हैज नॉट रिटन लेटर, ये आपका सेंटेंस बनकर के तैयार है, और कोई भी इसमें इसमें आपको फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा केवल हैज और हैव के बाद में आपने नोट लगा दिया है, वही आपका नेगेटिव सेंटेंस बनकर के तैयार हो गया है। उम्मीद है आप ये सारी बात समझ गए होंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं। मैं इसके आगे नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूं, और अब जब बात आ रही है तो बात आएगी आपकी इंटरोगेटिव की। अब इंटरोगेटिव में जैसे मैं हमेशा की तरह आपको कहता आया हूं, दो केसेस होते हैं। अब केस वन, ऐसा केस जिसमें आप क्वेश्चन वर्ड को यूज नहीं करते इंग्लिश के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे केस वन की। केस वन मतलब सेंटेंस विदाउट क्वेश्चन वर्ड। बिना क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस इंग्लिश के हिसाब से, और हिंदी में जिन वाक्यों के शुरू में या प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आता है या आते हैं। क्लियर? चलिए, ये हिंदी के हिसाब से। अब जनाब उठा करके जरा एग्जांपल देख लेते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल्स की अगर बात करेंगे तो मैं यहां लिख सकता हूं, क्या मोहन ने पत्र लिख लिया है, या क्या मोहन पत्र लिख चुका है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, फॉर्मूला बनेगा, इसकी तो कोई अंग्रेजी आप नहीं लगाते। ठीक है, इसकी आप कोई अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, इसकी जगह आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है, तो आप यहां, मैंने मोहन लिख दिया है, यहां पर आप इसे सब्जेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका V3 वर्ब आती है, उसके बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट, और देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? चलिए, तो इसे, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर में आप इसे रखेंगे और आपका सेंटेंस ट्रांसलेट होकर के तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, जरा इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, करते हैं, देखते हैं हो भी पाता या नहीं। तो क्या मोहन ने पत्र लिख लिया है, इस तरह से ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। और किस तरीके का आंसर मिलेगा हमें देखिए जरा। तो यहां क्योंकि मोहन आपका सिंगुलर है, हैज आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आपका हैज मोहन,
रिटन लेटर, ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेंटेंस बन के तैयार है। इसी का अगर नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो नेगेटिव में क्या करेंगे हम, हमने कहा था आपका सिर्फ और सिर्फ आप मेन वर्ब से पहले नॉट लगाएंगे, तो यहां पर आप नॉट लगा दीजिए, ये आपका नेगेटिव तैयार हो जाएगा। तो नेगेटिव तैयार कैसे होगा, ये हो जाएगा हैज मोहन नॉट रिटन लेटर, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये आपका नेगेटिव तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा केस वन जो है बहुत ही आसान है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम चलते हैं केस टू की तरफ। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बढ़ता हूं केस टू की तरफ आगे, उसके लिए मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं और अब आएगा आपका केस टू। यहां आता है आपका केस टू। केस टू का मतलब क्या होगा, मतलब इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है, सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड्स, क्लियर। और हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक या फिर प्रश्नसूचक शब्द आता है, ठीक क्लियर। चलिए तो कैसे वाक्य होंगे वो, उनकी तरफ भी जरा देख लेते हैं। ये तो आपकी केस टू की पहचान हो गई। अब एक एग्जाम्पल यहां लिख करके हम देख सकते हैं, जैसे मोहन ने पत्र कब लिखा है, या फिर मोहन पत्र कब लिख चुका है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर मोहन ने पत्र कब लिखा, क्लियर। तो यहां तक भी हम छोड़ सकते हैं, ये मैंने आपको बात पहले भी समझाई थी जब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता रहा था। तो मोहन ने पत्र कब लिखा, मोहन ने पत्र कब लिखा है, मोहन पत्र कब लिख चुका है, इस तरीके के सेंटेंस आप देखेंगे। और इसके लिए आपको एक जो उसका फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या लगाते हैं इधर, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्लस में यहां आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में आता है आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद में आता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, इस फॉर्मेट में रखेंगे तो आपको उत्तर सही मिल जाएगा, ठीक है। बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं या रख करके देखते हैं। तो हम रखेंगे व्हेन, क्योंकि ये है ना आपका क्वेश्चन वर्ड, व्हेन हैज मोहन रिटन लेटर और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी में अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो नीचे मुझे बता दीजिए, पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में हम यहां हेल्पिंग वर्ब, ये सॉरी आपका सब्जेक्ट और आपका सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां है, इसके बाद में हम आसानी से नॉट लगा देंगे,
और आपका ये सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। यहां पर आप नोट लगा दीजिए सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में, मतलब मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बीच में आप नोट लगा दीजिए और आपका नेगेटिव सेंटेंस बन के तैयार है। तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिख देंगे व्हेन हैज मोहन नॉट रिटन लेटर और यहां क्वेश्चन मार्क। किसी भी प्रकार की समस्या आपको इस प्रकार के वाक्यों में नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका केस सेकंड, जो कि यहां आपने परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट केस को आपने समझ लिया है परफेक्ट टेंस के रूप में, और जितने चारों केसेस थे उन्हें आपने बहुत ही आसानी से समझ लिया है, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं रही है। अगर रही है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से हम अब बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। तो पास्ट टेंस क्या करेंगे? पास्ट में हम सिर्फ और सिर्फ हेड लगा देंगे, तो उसके सीधे सीधे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और किसी प्रकार की हम समस्या और किसी प्रकार की हमको कोई समस्या उसमें नहीं होने वाली है। हमको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूं। इसके बाद में हम जानते हैं अब पास्ट टेंस के बारे में। यहां जानेंगे अब हम पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो अब यहां हमारा काम जो होगा, मतलब यहां पर अभी हमने वर्तमान में खत्म किया है प्रेजेंट टेंस में, अब यहां पास्ट टेंस में हम खत्म कर चुके थे। ठीक है, तो पास्ट टेंस में हम खत्म कर चुके थे। क्लियर? पास्ट टेंस में क्या होगा? हम खत्म कर चुके थे। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अभी हम पास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, पहचान देखेंगे। तो पहचान क्या हो जाएगी? पहचान आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि इस प्रकार के वाक्यों से या फिर वाक्यों में पूर्व में या फिर बीते हुए समय में कार्य के समाप्त होने या किए जाने का बोध होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जैसे अभी तक हमने मोहन ने पत्र लिख लिया है या मोहन ने पत्र लिखा है या मोहन ने पत्र लिखा या मोहन पत्र लिख चुका है, इस तरीके के वाक्यों को हमने देखा। लेकिन अब यहां देखेंगे तो यहां क्या होगा? उदाहरण के तौर पर मैं लिख दूं, मोहन पत्र लिख चुका था या फिर मोहन ने पत्र लिखा था या फिर मोहन ने पत्र लिख लिया था। इस प्रकार के वाक्यों का आपको सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए क्या रहेगी हमारी पॉलिसी? हमारी पॉलिसी वही है, कोई बदलाव नहीं रहेगा। क्या रहेगा? सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में आपका आता है हेल्पिंग वर्ब और जो कि यहां पर हेड होने वाली है, उसके बाद में आपका आता है मेन वर्ब या वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आपका आता है ऑब्जेक्ट, फिर बचा कुचा। इस तरीके से आप यहां पर पूरे के पूरे वाक्यों को तैयार कर सकते। ठीक है, ये अफर्मेटिव केस का है, तो इसमें आप देखेंगे, इसे ट्रांसलेट करके हम देख लेते हैं जरा हो पाता है कि नहीं। इसके हिसाब से देखिए जरा, मोहन हैड रिटन लेटर, ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है
तो हेड और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट लगा दीजिए हमेशा की तरह, जैसे हमने पिछली बार किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहां देखेंगे आप क्या उत्तर मिलेगा, मोहन हैड नॉट रिटन लेटर। ठीक है, ये आपको इसका उत्तर मिलने वाला है। तो यहां हमने सिर्फ हेड और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दिया है और हमारा सेंटेंस बनके तैयार है। तो एक ही बार में हमने देख लिया नेगेटिव सेंटेंस और आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, दोनों को ही हमने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आपको बात समझ में आसानी से आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आपने अगर नोटबुक में लिख लिया है तो आप उसे लिख चुके हैं, मैं इसे अब साफ कर रहा हूं। इसके बाद में जो बात आती है वो बात आती है हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस की। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, वही अभी वाला तुरंत वाला सीन, केस वन। और केस वन क्या है हमारा इंग्लिश के हिसाब से, ऐसे सेंटेंसेस या फिर सेंटेंसेस विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, हिंदी में, हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो जिन वाक्यों के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आता है, ठीक है, आप जरा उदाहरण देखेंगे तो वही एक ही उदाहरण लेकर के देख सकते हैं हम, क्या वही, क्या मोहन पत्र लिख चुका है, या फिर क्या चुका है, क्यों पास्ट की बात हो रही तो यहां पर आपका आएगा चुका था, चुका है नहीं चुका था। ठीक है, क्या मोहन ने पत्र लिख लिया था, या फिर क्या मोहन ने पत्र लिखा था। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस आप देखेंगे। अब इनको बनाने का तरीका वही, तो जो होता है इसका क्या का हम कोई अंग्रेजी यहां पर नहीं लगाने वाले हैं। क्या करेंगे इसके लिए, हम सिर्फ और सिर्फ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसे रख देते हैं। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी हेड, ठीक है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है तो हम यहां पर सीधा सीधा सब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, और हेड सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका वर्ब थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आता है आपका रिमेनिंग पार्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इसके हिसाब से आप चलेंगे और आपके सारे के सारे सेंटेंसेस बनके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बना करके देखते हैं। तो देखते हैं हमारे पास हैड मोहन रिटन लेटर देन क्वेश्चन मार्क। यही अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस की, तो यहां आपका सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट लगाते हैं, तो यहां पर आप नॉट लगा दीजिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, वहां आपका नेगेटिव सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा और वो कुछ इस तरीके से होगा, हैड मोहन नॉट रिटन लेटर देन क्वेश्चन मार्क। यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपके समझ में ये बात भी आ गई है, अगर आ गई है तो मुझे अनुमति दें मैं बोर्ड को क्लियर कर दूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए
बोर्ड को क्लियर करते हैं हम। अब इसके बाद में बात आती है, वो आती है केस टू की। और केस टू क्या है आपका, इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो, इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो पहचान क्या होती है, सेंटेंसेस विथ क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, और हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है या फिर आते हैं। ठीक है, उदाहरण मोहन ने पत्र कब लिखा या फिर मोहन ने पत्र कब लिख लिया था या फिर मोहन पत्र कब लिख चुका था, इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसको बनाने का जो तरीका होगा वही, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को लगाते हैं। यहां पर नंबर एक पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को लगाते हैं, तो लगा दीजिए क्वेश्चन वर्ड मतलब हैड, हैड क्यों, सॉरी यहां पर आएगा व्हेन या फिर क्वेश्चन वर्ड। चलिए इसे दूसरे तरीके से लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा जगह गिर गई है। यहां पर आपका क्वेश्चन वर्ड फिर आपका हेड, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है हेड है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म या मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में बचा कुचा जो है, और उसके बाद में आपका क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। अब इसे हम जरा ट्रांसलेट करके देख लेते हैं, तो क्या आएगा, When had Mohan written letter? ठीक है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तब क्या आएगा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस बनके वहीं तैयार है। जैसे When had Mohan not, उसके बाद में written, then letter। ठीक है, तो आपने देखा सिर्फ हमने not लगाया है और आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया है। उम्मीद है यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई है, और यहां पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों को ही क्लियर कर लिया है। और यहां तक अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे सीधे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे किसी भी बात को समझाने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। तो चलिए, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद में आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपने इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लिया है, तो मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं और अब बढ़ते हैं हम फ्यूचर टेंस की तरफ। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस में देखेंगे या परफेक्ट टेंस, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले पहचान देखते हैं इसकी, और पहचान क्या होगी, आने वाले भविष्य में। ठीक है, यहां भी हम योजना नहीं बना रहे होंगे, यहां हम योजना नहीं बना रहे होंगे, यहां भी हम अनुमान लगा रहे होंगे, एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उसने ऐसा कर लिया होगा।
ठीक है, तो यहां क्या होगा, यहां भी आपका अनुमान ही आने वाला है, इसे आप अनुमान कहेंगे। ठीक है, तो पहचान में देखेंगे आप कि आने वाले समय में, आने वाले समय में या फिर भविष्य में, क्योंकि भविष्य की बात हो रही है तो भविष्य कह सकते हैं, नहीं तो भविष्य क्या होता है, आने वाले समय में। ठीक है, कार्य के पूरे किए जाने का बोध होता है। ठीक है, चलिए अब जरा इसके लिए उदाहरण हम देखेंगे तो किस तरीके से होता है। यहां देखेंगे हम, जैसे मोहन ने अनुमान लगाएंगे, पत्र लिख लिया होगा। ठीक है, मोहन ने पत्र लिख लिया होगा, या फिर मोहन पत्र लिख चुका होगा। ठीक है, यही दो केसेज होंगे। अगर हम लिखा होगा की बात करेंगे तो पास्ट में पहुंच जाएगा, इसलिए लिखा होगा नहीं आएगा। क्लियर? तो मोहन ने पत्र लिख लिया होगा या मोहन पत्र लिख चुका होगा। अब इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब में लगाएंगे विल या फिर शैल, और उसके साथ में लगाएंगे आप हैव। ठीक है, और उसके बाद में आप लगाते हैं यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ट्रांसलेट करके देखते हैं तो हम देखेंगे मोहन, क्योंकि सब्जेक्ट का वह सिंगुलर है, विल हैव रिटन लेटर। ठीक है, और नेगेटिव की बात आएगी तो विल और शैल हैव के बीच में हम यहां पर नॉट लगाएंगे, विल और शैल हैव के बीच में, विल हैव शैल हैव के बीच में नॉट लगा देंगे तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? मोहन विल नॉट हैव रिटन लेटर, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। कोई समस्या यहां तक मुझे ख्याल से मुझे तो नजर नहीं आ रही है, अगर आपको नजर आ रही है तो मुझे आप जरूर पूछ लें। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगा दीजिए, वहां पर आपका नेगेटिव सेंटेंस बनके तैयार हो जाता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई है, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं है तो आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए, नोटबुक में नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं अब बोर्ड को क्लियर कर रहा हूं, इसके बाद चलते हैं सीधा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। अब बात आती है हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा की तरह वही दो बात होंगी। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास दो क्या बात होंगी, केस वन। अब ये केस वन क्या है, इंग्लिश के हिसाब से सेंटेंसेस विदाउट हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्यों, विदाउट क्वेश्चन वर्ड। और हिंदी में देखेंगे तो जिन वाक्यों के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न हम, ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वाक्यों को हम देखेंगे। एग्जाम्पल, क्या मोहन ने पत्र लिख लिया होगा? क्लियर, ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद क्या
मोहन पत्र लिख चुका होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या है, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम नहीं लगाते, फिर क्या करते हैं, इसकी जगह पर हम सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब जो है उसे रखते हैं। ये बात मैं आपको शुरू में बता चुका था। तो क्या होगा, विल हैव और शैल हैव, फ्यूचर की बात हो रही है। उसके बाद में सब्जेक्ट, ठीक है, विल हैव शैल हैव, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, और देन रिमेनिंग पार्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस हिसाब से अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल 100% आपका सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। देखिए जरा कैसे होगा, यहां लिखते हैं विल, थोड़ा सा फॉर्मूला में गलती हुई है, इसे जरा देखते हैं। यहां विल हैव शैल हैव नहीं आएगा, यहां विल हैव शैल हैव के बीच में आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो इसे जरा करेक्ट कर लेंगे। इसे करेक्ट करिए, विल यहां शैल प्लस में आपका सब्जेक्ट देन आपका हैव, ठीक है, देन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में आपका आएगा रिमेनिंग पार्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में सारी बातें आ रही होंगी। फिर से देख लीजिए एक बार जरा, विल हैव और शैल हैव के बीच में यहां सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट विल हैव और शैल हैव के बीच में आने वाला है यहां। ये थोड़ा सा आपको परिवर्तन देखने को यहां पर मिलेगा, तो इसे जरा ट्रांसलेट करके देखेंगे तो विल के बाद में आपका मोहन सब्जेक्ट है ना, हैव के बाद में रिटन, क्योंकि आपका यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है, वर्ब की लेटर, देन क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेंटेंस बनके तैयार है, विल मोहन हैव रिटन लेटर। और इसी का अगर नेगेटिव देखेंगे तो हैव और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट लगाएंगे, कैसे बनेगा, विल मोहन, नहीं यहां नॉट नहीं आएगा आपका, नॉट आएगा आपका सब्जेक्ट के बाद में, नॉट आएगा आपका सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट तुरंत बाद लगाइए नॉट आप यहां, तो देखेंगे आप विल मोहन नॉट हैव रिटन लेटर। इस तरीके से आपका नेगेटिव सेंटेंस भी बन के तैयार हो जाता है। तो आपने देखा, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या देखा हमने कि फ्यूचर टेंस में हमने थोड़ा बदलाव देखा, इंटरोगेटिव में क्या देखा कि हमने विल हैव शैल हैव के बीच में सब्जेक्ट को लगाया है, ठीक है। और उसके बाद में हम अगर यहां देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो मोहन के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में जो भी परिवर्तन कर रहे हैं हम विल हैव और शैल हैव के बीच में ही परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे विल मोहन नॉट हैव या फिर विल मोहन हैव, इस तरीके से। तो उम्मीद है आप सारी बातें समझ गए होंगे, यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं आपके सेकंड केस की। यहां तक आपकी बात में, आपकी समझ में बात आ गई है तो आप इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बोर्ड को क्लियर करते हैं और अब हम
के सेकंड की बात करते हैं। केस टू क्या होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप। केस टू इंग्लिश के हिसाब से सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड्स, या फिर हिंदी में देखेंगे तो जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है या आते हैं, ठीक है, ये आपका केस सेकंड हो जाएगा। अब अगर इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या होगा, हम लिख सकते हैं मोहन ने पत्र कब लगा दीजिए, या फिर कब नहीं तो आप यहां पर लगा सकते हैं, मोहन ने पत्र क्यों लिखा या फिर लिख लिया होगा, ठीक है, या फिर मोहन ने पत्र, या फिर मोहन पत्र क्यों लिख चुका होगा, नहीं हटा दीजिए, क्यों लिख चुका होगा क्वेश्चन मार्क। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, वही सेम चीज हमारे पास आने वाली है। जैसे सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को लगाते हैं, नंबर एक पर हम क्यों को सबसे पहले लगाएंगे, तो क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट आता है आपका, फिर सब्जेक्ट नहीं, यहां पर आपका जितने बदलाव होंगे सारे के सारे विल और विल हैव के बीच में या शैल हैव के बीच में करने हैं हमको, तो यहां पर विल या फिर शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है, देन आपका आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और उसके बाद में आपका रिमेनिंग, और देन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बड़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मार्क आप अपने आप लगा लें, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम बना करके देखते हैं, जरा लिखने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, आएगा आपका वाई विल मोहन हैव रिटन लेटर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपने देखा आपका सेंटेंस बनके तैयार है, और इसी प्रकार से अगर नेगेटिव बनाएंगे तो मोहन के बाद में आप यहां शैल सब्जेक्ट और हैव के बीच में नोट लगा देंगे, मोहन के बाद में या सब्जेक्ट बाद में यहां नोट लगा दीजिए, तो देखिए किस तरीके से बनेगा, वाई विल मोहन नॉट हैव रिटन लेटर क्वेश्चन मार्क। तो यहां तक आपने देखा, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है, और आपने पूरे के पूरे सेंटेंसेस परफेक्ट टेंस को हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए, अगर ऐसा नहीं आप जरूरत महसूस करते हैं तो वीडियो को आप प्रीवियस करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में उम्मीद है आपने वीडियो को पूरा देखा है और आपके समझ में पूरी सारी की सारी बात आई है, अगर नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी नहीं आई है तो मुझसे पूछ लीजिए। अब आते हैं हम ज्ञान की बात पर, ज्ञान की बात क्या है, ज्ञान की बात यह है कि शुरुआत में हमने छोटी सी थोड़ी सी ज्ञान की बात की थी कि आप वीडियो को पूरा देखिए,
अब लास्ट में ज्ञान की बात ये बचती है कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी तरीके से आप किसी के शेयर करने से या किसी के सजेस्ट करने पर बिगिन टू लर्न पर आए हैं तो यहाँ पर आप इसे सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि वीडियो को आपने अगर पूरा देखा है तो देखा होगा कितने सरल और सहज तरीके से आपको सारी बात समझाई जाती है। और यहाँ पर पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थियों के लिए FCCS यानी फंक्शनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, और BIT या फिर ITC यानी बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट आपको यहाँ मिलने वाली हैं। किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको PDF में सारे के सारे नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप ये बात भी समझ गए हैं। अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तो इसके बाद में मिलते हैं नए वीडियो में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा ग्रामर के टॉपिक पर, मतलब ग्रामर के से रिलेटेड जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। ठीक है, तो मिलेंगे तब और बातें करेंगे उस नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।